जैसे ही टैंकर आया पानी कठो आया मना है खेत हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे देखो खेत से आए। और मेरे YouTube परिवार, अब आप पानी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं बता सकते। पिछली बार पानी डलवाया था तो वास्तव में उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर जो है उदरासर गाँव है, और यहाँ आते आते पाइप जो मैं लेकर के आया श्री डूंगरगढ़ से कल गाड़ी में, वो पाइप जो है नीचे आ गए इस तरह से रोड के ऊपर, क्योंकि जेवड़ा जो है वो वहाँ जो पलदार थे उन्हीं का खींचा हुआ था। जेवड़ा बात सज गई, हम दोनों ने ला कर पूरा जाब्ता किया है, पूरी तरह से मतलब अभी कंट्रोल किया है पाइपों को, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये पाइप जो है आधे पाइप ये भारी वाले नहीं आए, ये छोटे वाले पाइप है जो इधर आ गए इस तरह से नीचे लटक गए पूरे, और यहीं पर लटके। लेकिन मुरली मनोहर की कृपा से, बागेश्वर बालाजी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से नुकसान होने से बच गया। धारो सरजन सर है, सुरजन सर है, और आगे खेत में जा रहे हैं। खेत है, आप खेत वाइड। तो ये भाई जो है गाड़ी में चढ़ा हुआ था साथ में, और जवान है, यंग स्तर है, मतलब युवा है, तो इसने पूरा पूरी मतलब खींच करके रस्सा, और पूरी मेरी मदद की है। मेरे YouTube परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद भाई। हम सोचते हैं कि जल्दी उठना है, जल्दी स्नान पानी करके पूजा पाठ करके जल्दी रवाना होना है, आगे जाना है, अपने जो है धाम पर जाना है, वहाँ गायों की सेवा के लिए जल्दी सभी कार्य करने हैं। तो ये जल्दी करना और कराना और जल्दी पहुँचना तो बस की विद्या नहीं है, बस की बात नहीं है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। मेरे YouTube परिवार, आज मैं जो है जल्दी पाइप क्योंकि गाड़ी पर लाद करके कल से रखे हुए थे, तो भाई जल्दी पहुंचूं मिस्त्री जी के घर पर, पाइप उतारूं और जल्दी से वहां गाय इंतज़ार कर रही हैं चाटे का। नहीं है पाइप जो है इतनी मतलब है भयंकर तरीके से आगे आ गए ब्रेक के साथ, जैसे ही गाड़ी के ब्रेक मारे ब्रेक के साथ ही पूरे के पूरे पाइप आगे आ गए। तो ये भी एक कृपा रही, जरूर बंधवा करके कम्प्लीट पूरा एकदम मतलब, क्योंकि आखिरी दलडा रास्ता तो आगे भी बाकी पड़ाया, अभी तो उदरासर में ही खड़ा हूँ। इस तरह से पूरा टाइट बंधवा दिया है और अभी जो है मैं रवाना हो रहा हूँ। सोचते तो हैं कि भाई हम जल्दी काम करें, जल्दी ऐसे करें वैसे करें, लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा होता नहीं है। हाँ करना ज़रूरी है, लेकिन उसका क्या फल मिलेगा कार्य का, वो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में। मेरे घर से लेकर के वैसे ही रवाना हो गया, रास्ता तय कर रहा हूँ। मेरे YouTube परिवार चल रहा हूँ धीरे। मैंने आज शिवकन्या को चकमा दिया था, शिवकन्या को के पाइप उतार के अभी आ रहा हूँ वापस। शिवकन्या क्या है कि उठती दूध ही नहीं पिया, चाय दूध भी नहीं पिया, और बिना मुंह धोए और दादा के साथ तैयार हो गई और गाड़ी में आके बैठ गई। जो ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने चकमा दिया कि चलो गायों को रोटी देते हैं। दादी पोती को दोनों को साथ लेकर के आया थोड़ी दूर, गायों को रोटी देने के बाद है। और हाँ शिवकन्या में अभी पाइप उतार के अब भी आऊँ इस प्रकार से कह करके मैं कट से रवाना हो गया, और शिवकन्या की तरफ पीछे देखा ही नहीं कि शिवकन्या रोई या पता नहीं दादी पोती वापस घर चली गई। तो मेरे तो एक बात ये भी दिमाग में हो रही है कि बच्चों को किसी प्रकार का चकमा देकर नहीं निकलना चाहिए, उनको पूरी तरह से संतुष्ट करके। शिवकन्या बहुत बार मेरे साथ रवाना हो जाती है इस प्रकार से, लेकिन मैं उसको दुकानों पर फेर करके इधर उधर घुमा करके कुछ उसके खाने की कुछ चीज़ें दिला करके फिर एकदम राजी करके वापस घर छोड़ करके फिर आता हूँ, क्योंकि रोज़ बच्ची साथ में आती है तो फिर वो भी परेशान हो जाती है। रोज़ाना वो आने जाने वाला सिस्टम चलता नहीं है, उसकी दादी साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे YouTube परिवार, मैंने आज शिवकन्या को चकमा दिया और मुझे जो है उसके बदले में ये परेशानी भुगतनी पड़ी, मेरा तो ये मानना है। तो मेरे YouTube परिवार, ये जो गुड़ आप देख रहे हैं ये गुड़ भेजा है ओम प्रकाश जी नागर ने अपने पुत्र स्वर्गीय अंकित नागर के श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष में। तो इसी प्रकार से जो है ये गुड़ आप देख रहे हैं ये उनके द्वारा भेजा गया है, उन्होंने तो बोला है भाई हमारा नाम लेना है। ये जो गुड़ आप देख रहे हैं ये भी श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष में भेजा है एक बहन ने अपने पिताजी के श्राद्ध पर, लेकिन वो बहन जो है गुप्तदानी है, उन्होंने नाम नहीं लेने का बोला है, इसलिए गायों को हम जो है दे रहे हैं। खोल दो
तो आज एक नई खेड़ और बनाई जा रही है। तो इस तरह से देखो ये टैंकर जो है पूरा खाली नहीं हो रहा है। क्यों लाल सिंह, पूरा खाली कोई नहीं हुआ? नहीं, आधे टैंकर के वहाँ खेड़ ब्रिज जावे तो आधो टैंकर है बच जावे पानी। इन वास्ते नई खेड़ और बना रहे हैं आज। निर्माण कार्य आज शुरू हो गया है और खेड़ फुल होगी। अभी जो बचेड़ो पानी है वो कुंड में। चलो देवलाल, अपन काम बोला करना है। बोलो अठे अठे फिर उसी काम बोला करना है अपन ने। थोड़ा सा पकड़िया है, पानी बोलो है वो दू हिसाब लागे मना दो टैंकर माँ कर दो। अब माँ कर दो। तो मेरे YouTube परिवार, पहले जो मैंने पाइप ला करके उतारे थे यहाँ पर मिस्त्री जी के घर पर, वो पाइप मिस्त्री जी ने लगभग वेल्डिंग कर दी है। ये देखो ये इस तरह से कटिंग कर रखी है इन्होंने। और अभी जो पाइप लेकर के आया हूँ वो पाइप उतार रहे हैं बाप बेटा। ये देखो यहाँ पर, और ये पहले से पाइप ला करके उतारे थे वो हैं। और ये देखो दो कैंची तो तैयार ही कर दी है, दो के तीनों ही कर दी मिस्त्रियां हैं। तीन इलाक सिंह के बड़ोड़ी कैंची तीन इलाक, अरे एक आड़ी आड़ी तो आड़ी तो बे तीन आगे है, तीन लारे है, तीन पीछे नौ टुकड़ा बे। अच्छा बे दूसरी टाइप की लाग सी। तो ये देखो ये जो है तीन कैंची जो बड़ी साइज है वो एकदम तैयार कर दी है मिस्त्री जी ने। और अभी जो है मैं इनको वो प्राइमर दिला देता हूँ ताकि प्राइमर करके तैयार कर लें। तो मेरे YouTube परिवार, आज जो है काम की बहुत ज़्यादा अधिकता है। सांस गले में आ गई है भाजता। जल्दी जल्दी देखो मिस्त्री जी के घर पाइप उतार गया या कला तो। और अभी जो है देखो ईंट, ये ईंट आप देख रहे हैं ये गाड़ी में भर करके आज निर्माण कार्य चालू करा रहे हैं। एक खेड़ नहीं बनवा रहे हैं, खेड़ पानी की जो टैंकर आए तो पूरा एक टैंकर 7,000 लीटर का, दो खेड़ों तो दोनों खेड़ों में पानी पूरा खाली हो जाए और गायों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए एक खेड़ और बनाई जा रही है। तो ईंट जो है ये बाहर पड़ी है, गड्ढे की कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़बरदस्त जमाना होने के कारण न कोई आदमी मिल रहा है न कोई गड्ढा मिल रहा है। गड्ढे वाले जो हैं वो सभी मोठ उपाड़ने में लग गए, मोठ की खेती है जल्दी आ जाती है और मोठ उपाड़ने में लग गए हैं, गड्ढा आ नहीं रहा है। तो हम खुद ही मतलब प्रयास कर रहे हैं, ये जो ठेकेदार जी हैं मिस्त्री जी हैं इन्हीं के आदमी हैं। देखो ईंट भर रहे हैं अभी, और ठेकेदार जी खुद जो है दुर्मच लेकर के नीम कूटने में, ये कुंड से लेकर के, और जो हमारी चाटा आटा आहार की जो खेड़ आप देख रहे हैं उस कुंड जो है इस तरह से, इसकी लंबाई है लगभग 27 फीट की लंबाई है। और इस खेल से चाटा जो देते हैं इस खेल के बीच में 7 फीट की ये जगह रखी है। 7 फीट की जगह रखने के बाद, क्योंकि 7 फीट में गाय इधर चारों तरफ घूम भी सकती है और इधर चाटा खाती है और उधर पानी पीती है, तो खेल में जो है गाय का गौमूत्र और गोबर नहीं आएगा। इस प्रकार से 7 फीट की ये जगह रखी है बीच में। तो मेरे YouTube परिवार, आप देख रहे हैं ये जो हमने जोड़ से पानी मंगवाया था, जोड़ से पानी मंगवाने के कारण
इस तरह मिट्टी जो है इसके अंदर भरी गई, नीचे जो है पेंदे में मिट्टी इस तरह से भरी हुई थी प्याऊ के अंदर। तो आज जो है प्याऊ को एकदम कंप्लीट साफ करके देवीलाल जो है आप देख रहे हैं प्याऊ के ऊपर, इसको अंदर जो है प्रवेश कराया है प्याऊ के अंदर, और प्याऊ को अंदर से एकदम पूरा साफ करेंगे आज। पूरा साफ करके फिर से इसमें पानी भरवाना है, एकदम फ्रेश कुंड से पानी लेकर के आएगा। तो ये लालच है, कहते हैं ना लालच बुरी बला है, लालच ख़राब कर गई। उस समय पानी के एक टैंकर के लगते थे 2500 रुपये, और जैसे ही यहाँ पर बरसात हुई तो मैंने 2 टैंकर इस प्याऊ में वो डलवा दिए जो जोड़ से पानी लेकर के आया, और जोड़ से पानी लेकर के आया तो इसमें जोड़ में जो है एकदम ताज़ा मिट्टी आई हुई थी, और इसी मिट्टी के कारण है प्याऊ का पानी है जो एकदम पानी पिया है वो तो साफ है, लेकिन नीचे गई है मिट्टी, जोड़ की मिट्टी है जो अंदर जम गई है जो है अभी। तो इधर जो है निर्माण कार्य चालू कर रखा है खेल का, और आप देख रहे हैं वह देखिए पानी बोझ कोई जा रही है, लाइन लंबी गई पानी की, तो एक आधा पौधे का नहीं कर दिया वो जावे जो पानी यहाँ खाली सी कर दे, वह पाइपड़ी चालू करा के यहीं निकल जी है। अरे ये देवीलाल अंदर जो है उसको प्याऊ के अंदर बड़ा है, देखो एक टैंकर पानी पूरा आता है, बहुत बड़ी प्याऊ है अंदर से, लेकिन पूरा का पूरा साफ करना पड़ेगा एकदम। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी इस प्रकार का जो है ये पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा, हाँ एकदम निकाल करके साफ करके और फिर प्याऊ को फिर से भरवाएंगे। मैं टूंटिया देखी रुकेड़ी इन बात चालू कर दे, रुकेड़ी तो नहीं ये बात है मेरे यूट्यूब परिवार, आज बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है हमको, बहुत कड़ी मेहनत, कुछ मत बात, कड़ी मेहनत करने से ही ये साफ होगी पूरी, क्या वो साफ करिए और नया पानी भरवाएंगे। दिखा वे हो बांदरों से ऊपर देखो कूदन लाग रही है, खेल गए बांदर कूदे जाने, और अब ये देखो ये जो है इस तरह से पूरी की पूरी जो है प्याऊ भर गई है, ये जो पानी कादो है पूरो को पूरो, हाँ 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 माँ जागे रड़बड़ा हो जू जो चागे रड़बड़ा इन्हें। तो मेरे YouTube परिवार अभी लगभग दोपहर का 1:30 बज चुका है, और मैं भी आज अति व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण घर नहीं जा सका, और देवीलाल हमारे जो है देखो बहुत ज़्यादा काम किया है आज इसने, और फिर भी अभी भी जो है खाना बनाने में व्यस्त है। हम दोनों के लिए ठेकेदार जो आए हुए हैं कार्य पर लगे हुए हैं निर्माण कार्य में, वो तो अपना टिप्पण साथ में लेकर के आए थे और खेजड़ी के नीचे बैठ करके खाना खा लिया है उन्होंने। ठेकेदार जी खाना खा लिया के उन्होंने प्रयास कर रहा है, सियाराम रसोई में भोजन अभी तैयार हो रहा है, और मैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करूँगा। देवीलाल है क्या यार वो सामानी काम दिन तो तुम तो बैठ जाए, मतलब व्यस्त हो गए के तो आज मतलब जमा लग रही है यार रोटी डाल दे के अंकरा रहे सीधे लीजिए सब्जी, तो तन कोई बरात जिमानी है के दो तो जना आपा बेस सब देखो हैं पांच मिनट होगा इसे आज तो सब्जी तो सीध बक जी है इन आज तो इन तो तुम रोटी बना के तो 2 मिनट में खा ले तो है पर ठीक है, और 2 मिनट 5 मिनट करता करता मतलब कम से कम आधी घंटा तो होगी, 1 बजे आगे लगियो अरे देखो यहाँ भज गए फिर है इन अब भाज गए अब किठा के लान गए बारों पेट में बिल्लियाँ लड़न लग गया, लगभग 1 बजे रोटी खाने का टाइम है मेरे, और आज तो इंटा उठानी पटकनी पाइप उठाना पटकना आज तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे था कि 1 बजे पहले ही भूख लग गई, पाठ पूरा करे पहले ही भूख लग गई, लेकिन क्या करें देवीलाल है और बना सी जदि बना सी सारी सफाया कर गए बाद में, वो तुम्हारे तो सियाराम रसोई को रसोईयो बहुत जबरदस्त है, मामूली बात थोड़ी है फलिया तो बनाई पहला रोटी रोटी बना दो और की ना है
ई हिसाब तो के 10 आदमीयां जमातियों पे दिन ही आ बैठे तो आज नहीं 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 फाड़ दो ये गुरु जी हैं बट मैं हूं मैं ना के रे ना बस देख नहीं मन में आलू छोड़ गया तो आज कसम छोड़ गए अब तो बना लेके बस 5 मिनट दे बैठ में 5 मिनट ठीक है मैं अपने कमरे में चालू ले रहा जी बैठा भूख लग रही है तो जोरदार अंदर को पेन तो एकदम साफ कर दिया जी गाल ने कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कचरा पट्टी नहीं है यहाँ पर जो है एकदम साफ कर दिया है और अभी मोतीपुर को एकदम जोरदार पानी कुंड से भर करके लेकर के आए हैं देखो अभी अभी टैंकर आया है इस तरह से आ रहा है देखो जुगाड़ी जुगाड़ बना लिया है देखो निसरनी जो सीढ़ी है वो बीच में लगा करके और इस तरह से ये देखो और मेरे YouTube परिवार अब आप पानी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं बता सकते पिछली बार पानी डलवाया था तो वास्तव में उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी पानी खराब तो नहीं था बहुत ही अच्छा पानी था लेकिन वो मिट्टी जो है धीरे धीरे नीचे जम गई और उसके कारण से हमें आज पूरे दिन की परेशानी भुगत करके पूरी प्याऊ को एकदम कम्प्लीट साफ करना पड़ा तो हमारी टीम जो है सुबह से ही लगी हुई थी पानी से भराया जा रहा है पूरा साफ पानी है तो आप देख रहे हैं जो दूसरी पानी की खेल बनाई जा रही है उसका निर्माण कार्य चल रहा है गाड़ी हम जो है बाहर से ईंटों की भर के लेकर आए थे वो गाड़ी खाली कर दी है उन्होंने और शाम का लगभग 4-4:30 बजे का समय है गायें जो है अभी अपने अपने स्थान से खड़ी होकर के टीन शेड के नीचे चरने लगी हैं कोई इधर उधर अटखेलियाँ कर रही हैं हताई कर रही हैं खाद कर रही हैं आपस में और सेवादार जो है मेन मुख्य सेवादार अब यहाँ पर देवीलाल ही है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो खेती का कार्य है आसपास ये जो आसपास के खेतों वाले हैं लगभग मतलब एक एक दो किलोमीटर तक गांव जाना नहीं चाहते यहीं से प्याऊ से ही पानी भर करके ले करके जाते हैं दोपहर में दो बालक आए थे दो छोटे छोटे बच्चे आए उस समय मेरा फोन डिस्चार्ज था उनका वीडियो तो नहीं बना सका लेकिन वो आए उस समय हम जो है प्याऊ को बिल्कुल खाली कर चुके थे साफ कर रहे थे लेकिन फिर भी हमारे पास एक जो है एक पानी का जरीकन भरा हुआ था उस जरीकन से उन बच्चों को वो पानी की बरनी खाली ले करके आए वो बरनी भर करके दी तो इस प्रकार से मतलब जो भी है वो आधार हो जाता है तो यहाँ पर जो है आसपास के लोग हैं वो इससे प्याऊ के आधार हो गए हैं गांव जाने की बजाय यहीं से मीठा पानी ले करके जाना बहुत ही सुलभ है उनके लिए बहुत ही मतलब है सही तरीके से नज़दीक पड़ता है और गांव में वैसे भी गांव 1-1.5 किलोमीटर यहां से खेतों से दूर पड़ जाता है और पानी ले करके आने में थोड़ी प्रॉब्लम भी है क्योंकि गांव में पानी लगभग ट्यूबवेल का पानी है जो वो नमकीन और अभी देखो प्याऊ भरने ही वाली है ये 7,000 लीटर का टैंकर में ये पानी जो है टैंकर में पूरा 7,000 लीटर आता है और ये 7,000 लीटर पानी पूरा का पूरा देखो प्याऊ में पूरा एकदम फिट आता है पूरा टैंकर थोड़ा सा ऊंचो करी आ गयो रे हैं आ गयो Oh!
कमल किशोर जी जांगिड़ गांव कठोती जाइल नागौर से 251 रुपया, कैलाश जी प्रजापत गांव नवादा उज्जैन मध्य प्रदेश से 101 रुपया, राजू राम जी कस्वा गांव स्वरूप देसर बीकानेर हाल मुंबई से 101 रुपया, के आर जी चौधरी नगर हरिराम बाबा जोरडा धाम नागौर से 151 रुपया, रामदेव जी ज्वेलर्स नगर सूरत गुजरात से 201 रुपया, बहन कृष्णा अरोड़ा नगर पानीपत हरियाणा से 101 रुपया, सुभाष चंद्र जी शर्मा नगर तारानगर जिला चूरू से 300 रुपया, भाई मुकेश कुमार जी शर्मा नगर जयपुर राजस्थान से 1002 रुपया, राजकुमार जी एंड रूबी टोडी नगर हावड़ा कोलकाता से 251 रुपया, प्रकाश जी मेड़तवाल नगर रायपुर मारवाड़ ब्यावर से 101 रुपया, बहन कविता सिंह जी नगर पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपया, बहन माया जी करंजे नगर मुंबई महाराष्ट्र से 201 रुपया, परवीन जी शर्मा गांव 18 जेड श्री गंगानगर से 101 रुपया, गर्वित कुमार जी जाट बूरी नगर झुंझुनू से 151 रुपया, अमर सिंह जी मीणा रेलवे हॉस्पिटल नगर गाजियाबाद यूपी से 501 रुपया, तारेंद्र जी प्रजापति गांव सोहरा बाड़मेर हाल गांधीधाम गुजरात से 251 रुपया, मदन जी यादव गांव इटावा बदाल राजस्थान से 101 रुपया, उषा जी दिनेश जी मीणा गांव जामर कोटड़ा उदयपुर से 101 रुपया, राजेंद्र जी चौहान नगर पटियाला पंजाब से 101 रुपया, प्रकाश जी राठौड़ गांव बासणी जोजावर पाली हाल बेंगलोर से 251 रुपया, अनिल कुमार रामनिवास जी गाँव हरदयालपुरा फतेहपुर शेखावाटी से 551 रुपया, भारती चंद्रशेखर जी शर्मा नगर जोधपुर से 251 रुपया, मनीष कुमार धतरवाल गांव सामरदा खजवाड़ा बीकानेर से 100 रुपया, ठाकरा राम प्रताप राम जी माली गांव टांपी सांचौर जालौर से 151 रुपया और अतार सिंह जी मीणा नगर धौलपुर राजस्थान से 101 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।